मंजरिका, युवराज को कहीं देखा है? हाँ, अश्वशाला की ओर जाते हुए देखा उन्हें। चन्ना, सिद्धार्थ को कहीं देखा? वो सामने वाली टेकरी है ना, उसके पेड़ के नीचे बैठा। तुम क्या हुआ गोपा? सुना है देवदा में पानी की बड़ी समस्या है, पर हमें तो नहीं लगता। देखो तो अपनी आंखें, हमेशा पानी से भरी रहती है। हमने भी सुना है कपिलवस्तु के युवराज सीता की राजकुमारी से प्रेम करते हैं। मैं नहीं लगता, देखो तो कितनी सहजता से ले रहे हैं स्वयंवर की बात, देवदत्त कितना अभ्यास कर रहा है, और तुम? मुझ पर नहीं, ना सही, अपने प्रेम पर तो विश्वास करो गोपा। शक्ति शरीर में नहीं मन में होती है, विजयी वही होता है जिसका मन शांत हो। बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चल। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते ये एक शूद्र है, और तुम ओछी जाति के, युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छुआ। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है, ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं, अधिकारी ईश्वर है। मत बोलो युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप है। केवल हम वेदांति पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए, क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र, विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में, ना कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, ना कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ।
जो मनुष्य को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति को पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान है तो यह भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। चलो पहिया निकाले। तो फिर लगाओ जोर। युवराज, ये ईश्वर का दंड है, ईश्वर का। सिद्धार्थ को क्या आवश्यकता थी ब्राह्मणों का विरोध करने की? ये आप कह रहे थे, आपने भी दर्शित मुनि का विरोध किया है। महाराज, युवराज को बहुत चोट लगी, इनकी दो उंगलियों की हड्डी टूटी हुई है। बैची, युवराज दो दिन के बाद स्वयंवर में भाग तो ले सकेंगे ना? नहीं, ठीक होने में समय लगेगा। क्या होगा कृपा का? देवदत्त, देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सिद्धार्थ अब स्वयंवर में भाग ना ले सकेगा। यशोधरा अब तुम्हारी हुई, और तुम शाक्य सम्राट। आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु प्रभु मैं सिद्धार्थ को मन से अपना चुकी हूं। यदि सिद्धार्थ स्वयंवर में नहीं तो गोपा इस सृष्टि में नहीं। बधाई हो राजा दंडपाणी, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। अब स्वयंवर में देवदत्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। उत्तम, अति उत्तम। जब तक सिद्धार्थ स्वयंवर नहीं जीतता, अन्य जल का त्याग करती ना।
यशो, ये कैसा प्रण ले लिया तूने? यदि तू स्वयंवर तक जल ग्रहण नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा बुआ, मुझे जीवित रहूंगी तो सिद्धार्थ के साथ, प्राण जाएंगे तो सिद्धार्थ के लिए। कैसे पुत्र? ये क्या पिताजी, आपकी आंखों में आंसू, आपके ये आंसू मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक अनमोल है पिताजी। आप स्वयंवर के बारे में सोच रहे हैं? आप ही कहते हैं ना पिताजी, क्षत्रिय को लड़कर ही सब कुछ प्राप्त करना पड़ता है। तो मैं क्षत्रिय हूं, यदि स्वयंवर में गोपा को अर्धांगिनी बनाना है तो मैं प्रतिस्पर्धी हूं। परंतु तुम्हारी यह चोट, ये चोट तो क्षत्रियों का आभूषण है पिताजी। जब तक मेरे साथ आपका आशीर्वाद और गोपा का प्रेम, तब तक मुझे स्वयंवर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ईश्वर है तो वो भी नहीं। यशस्वी भवा। शाक्यों के इस युवान उत्सव के अंतिम दिन महाराज दंडपाणि ने अपनी पुत्री यशोधरा के स्वयंवर की घोषणा की है। जो इस परीक्षा में विजयी होगा वो राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह करेगा। आपने देवदत्त को समझा दिया है कि उसे क्या करना है? समझा दिया और आचार्य धर्मनिष्ठ को भी समझा दिया है। वो सब संभाल लेंगे। का स्वागत करता हूं। मैं अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह एक योग्य क्षत्रिय के साथ कराना चाहता हूं। इसलिए मेरी परीक्षा की कसौटी पर जो भी उत्तीर्ण होगा उसी राजकुमार के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। युवराज, ये लीजिए। ये क्या है? ये जंगली गोंदवाना कारक है। ये तुमने बहुत अच्छा किया चन्ना, जो ये औषधि लेकर आए। रखो रखो। युवराज, अब आप अपने दोनों हाथ इसमें डालिए
शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे युवराज। युवराज, इस औषधि के सूखते ही आपकी हथेलियां पत्थर सी हो जाएंगी और फिर आपको पीड़ा भी नहीं होगी। देवदत्त, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ की उंगलियों में चोट लगी है। वो अब अपनी योग विद्या से तुम्हें बेसुध नहीं कर सकता। तुम केवल यही प्रयत्न करना, युवराज की उंगलियों के घाव पुनः हरे हो जाए। जाओ देवदत्त, जीत लो यशोधरा को। अब मैं स्वयंवर में भाग लेने वाले राजकुमारों को आमंत्रित करता हूं। तो अब यह चुनौती केवल इन दो स्पर्धकों के बीच होगी, क्योंकि दूसरे शाक के राजकुमार अपनी असमर्थता दिखाते हुए कदाचित इस स्वयंवर की परीक्षा से डर रहे हैं। क्यों, आपके राजकुमार इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहे? नहीं, कल के शाक के महाराज के साथ युद्ध करना अर्थात आपत्ति को आमंत्रण देना होगा। क्या पता कब ये प्रकोप बनकर हम ही पे बरस जाए। सही कहा, इसीलिए मेरे राजकुमार इसमें भाग नहीं ले रहे। हाँ, नहीं तो देवदत्त और सिद्धार्थ मेरे आगे कुछ नहीं, खचक करके समाप्त कर देता। कुमार देवदत्त और युवराज सिद्धार्थ के समक्ष रखे इन घड़ों में एक एक अंगूठी रखी गई है। जो भी पहले अंगूठी ढूंढ निकालेगा वही स्वयंवर की परीक्षा निश्चित करेगा। सिद्धार्थ के घड़े में अंगूठी है ही।
तो स्वयंवर की परीक्षा कुमार देवदत्त ही निश्चित करेंगे। कुमार देवदत्त कहिए। तो मैं खुले हाथों से युवराज सिद्धार्थ को मल्लयुद्ध के लिए ललकारता हूं। और इसमें कोई नियम नहीं होगा। अंत में जो अपने पैरों पे खड़ा रहेगा वही विजयी होगा और वही राजकुमारी यशोधरा की वरमाला का अधिकारी होगा। मल्लयुद्ध, परंतु सिद्धार्थ के हाथों में घाव है, वो कैसे लड़ेंगे? तुम साहस रखो पुत्री, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास ही सिद्धार्थ की शक्ति है। युवराज सिद्धार्थ, क्या आपको कुमार देवदत्त की दी गई चुनौती स्वीकार है? देखो तो कुमार देवदत्त सिद्धार्थ को कैसे मारे जा रहा है।
और सिद्धार्थ अपना हाथ तक नहीं उठा सकता। कहां से उठाएगा? देवदत्त को हाथों से मारेगा तो उल्टा चोट सिद्धार्थ के उंगलियों को लगेगी। अब बस कुछ पलों में ही युवराज की हार निश्चित है। बस कुछ देर और, एक बार ये औषधि सूख जाए। युवराज, सहन शक्ति भी एक हथियार है। अपने प्रतिस्पर्धी को इतना थका दो कि उसमें शक्ति ही ना बचे, फिर अंतिम प्रहार करो। क्या हुआ युवराज? शक्ति शेर हो गई। उठ। तक तो आप भी हो ज्येष्ठ। अरे अब भी समय है सिद्धार्थ, अपनी पराजय स्वीकार कर ले और बाहर हो जाओ स्वयंवर से, अन्यथा। से नहीं, तुमसे प्रेम कर रही हूं। क्या आप पंचनी की जगह यशोधरा को देखना चाहते हैं? मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना, इस स्थान में किसी और को नहीं दूंगा। मैंने पहले कभी नहीं देखा।
इस औषधि के सूखते ही आपकी हथेलियां पत्थर से हो जाएंगी और फिर आपको पीड़ा भी नहीं होगी। यशोधरा ने सत्य कहा था कि सिद्धार्थ ही जीतेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत आनंद प्राप्त हो रहा है कि मैं अपनी पुत्री यशोधरा का हाथ विजय युवराज सिद्धार्थ के हाथ में सौंपता हूं। यशो मां, क्या हुआ गोपा को? बताइए ना। रोशिका, जाओ जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। ठहरो लौशिका,
सिद्धार्थ, राज्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे केवल जल पिलाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से तुम घायल हुए हो, इसने अंजल त्याग दिया है। देखो तो इसे, जब सिद्धार्थ के लिए प्रण ले रही थी तब तो नहीं ले जाई, और अब एकांत अरे राजा द्रोणोदन, आप कब आए? कब से एक प्रश्न लिए आपके पीछे खड़ा, समझ में नहीं आ रहा कि आपको बधाई दूं कि आपने दुर्भाग्य को कोसूं। मैं तो आपसे बधाई पाने का ही अधिकारी हूं। मेरी पुत्री को सिद्धार्थ जैसा शूरवीर और योग्य वर जो मिल गया है। वाह राजा दंडपानी, वाह, रंग बदलना तो कोई आपसे सीखे। और सर्वथा असत्य कहना कोई आपसे सीखे राजा द्रोणोदन। आपने देवदत्त को अपना जमाई बनाने का वचन दिया था मुझे, और आपने सिद्धार्थ के बारे में मुझसे असत्य कहा था कि वो एक शूरवीर क्षत्रिय नहीं सन्यासी है। वो केवल भाग्यशाली, केवल भाग्यशाली। तो उसे अब पाकर हम भी हो गए ना भाग्यशाली। आप दिल छोटा ना कीजिए, मैं आपके दर्द को समझता हूं, किंतु आप ही ने तो कहा था ना कि महाराज शुद्धोदन के लिए सिद्धार्थ और देवदत्त एक समान है, तो अब आप भी ऐसा ही समझ लीजिए। आइए उत्सव का आनंद उठाते, आइए। अरे आइए ना। स्वाहा
भूतानां पदाय नमः स्वाहा।